नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। इन दिनों भाजपा बनाम विपक्ष की राजनीति में फिलहाल जो कुछ हो रहा है उसमें सबसे अहम, बड़ा व निर्णायक प्रदेश कौन सा है? तो मेरा जवाब है महाराष्ट्र। जरा एक एक करके पिछले दो वर्षों की घटनाओं को याद करें। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने क्या कुछ नहीं किया, न केवल उद्धव ठाकरे को निपटाया बल्कि मुंबई में कभी हिंदू राजनीति का डंका बजाने वाले बाल ठाकरे की शिवसेना का ही वारिस बदलवा दिया। सोचे, एकनाथ शिंदे के चेहरे को बाल ठाकरे की जगह पर। क्या बाल ठाकरे जीवन में कभी भी भाजपा या जनसंघ का मुंह ताके दिखलाई दिए? भाजपा के पिंजरे में कभी शिवसेना का शेर पालतू हुआ? शेर के गले में कभी पट्टा बंधा था? इसलिए महाराष्ट्र में जो हुआ है या जो चल रहा है वह कई मायनों में पूरे देश की सियासी शक्ल है। इसलिए इस सियासी गपशप का मेरा हेडिंग है, महाराष्ट्र से समझी जा सकती है देश की राजनीति। वैसे कहने को कहा जाता था कि देश की राजनीति को समझना है तो हिंदी पट्टी की राजनीति को देखें। इसमें भी बिहार को राजनीति का केंद्र माना जाता था। कहा जाता था कि हर बड़े राजनीतिक आंदोलन या बदलाव की शुरुआत बिहार से होती है। बिहार के नेता 24 घंटे राजनीति करने के लिए विख्यात या कुख्यात रहे, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति को देखने की जरूरत है। महाराष्ट्र में हर कोई राजनीतिक तौर पर बहुत खतबदाया हुआ है। महाराष्ट्र की दोनों क्षेत्रीय पार्टियां कमाल की राजनीति कर रही है। उनकी राजनीति को डिकोड करना मुश्किल हो गया। पता ही नहीं चल रहा है कि शरद पवार की पार्टी और परिवार महाविकास आघाड़ी के साथ है या भाजपा के साथ। यह भी पता नहीं चल रहा है कि भाजपा अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के साथ है या नहीं। कांग्रेस और शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट एक साथ है या नहीं, इसका भी अनुमान लगाना मुश्किल है। सभी पार्टियों के नेता सबसे मिल रहे हैं और अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं। हाल की शरद पवार की गतिविधियों को देखें तो यह हैरानी होगी कि कोई कैसे इस तरह की राजनीति कर सकता है। जिस दिन संसद का बजट सत्र समाप्त हुआ उसके अगले दिन शरद पवार ने गौतम अडानी के टेलीविजन चैनल पर एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि अडानी समूह पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट की संयुक्त संसदीय समिति या कि जेपीसी से जांच की जरूरत नहीं है। उन्होंने अडानी का खुलकर बचाव किया। यह भी कहा कि एक औद्योगिक समूह को निशाना बनाया जा रहा है। इसके चार दिन के बाद वे अपनी बात से मुकर गए और कहा कि यदि सहयोगी पार्टियां जेपीसी की मांग चाहती है तो वे इसका विरोध नहीं करेंगे। सोचे, उनकी खुद की पार्टी और सभी सहयोगी पार्टियां 13 मार्च को संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने के दिन से जेपीसी की मांग कर रही है। इसके लिए हुए हर प्रदर्शन में उनकी एनसीपी पार्टी के नेता शामिल थे, लेकिन एक महीने बाद वे कह रहे हैं कि यदि सहयोगी चाहते हैं तो वे जेपीसी का विरोध नहीं करेंगे। उनकी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष अजीत पवार ने भी अडानी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने जो कहा है वह पार्टी की लाइन है। इसके बाद अजीत पवार ने एक अलग घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर उठाए जा रहे सवालों को खारिज किया। साथ ही आम आदमी पार्टी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि डिग्री का मामला नॉन इश्यू है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। इसके बाद वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने चले गए। जिस दिन अजीत पवार और शिंदे की मुलाकात हुई उससे एक दिन पहले शरद पवार ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत से भी मुलाकात की थी। उसके एक दिन बाद दिल्ली पहुंचकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की। ध्यान रहे, देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि 2019 में अजीत पवार ने भाजपा का समर्थन शरद पवार के कहने पर किया था। उनके कहने पर ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सोचे, चाचा भतीजे की यह क्या राजनीति है। वे एकनाथ शिंदे के साथ है, भाजपा के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है या फिर कांग्रेस के साथ है, कोई भी इस बारे में गारंटी से कुछ भी नहीं कह सकता। इस बीच 9 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए।
वहां सिंधे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर बाला साहेब ठाकरे का सपना पूरा कर रहे हैं। वहां हजारों की संख्या में शिव सैनिक ले जाए गए। उनके आगे भाजपा नेता फडणवीस की मौजूदगी में सिंधे ने बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने का श्रेय शिव सैनिकों को दिया। लेकिन इसके दो दिन बाद 11 अप्रैल को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सिंधे सरकार के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि जब बाबरी का ढांचा गिरा था तब वहां न बाल ठाकरे थे और न कोई शिव सैनिक था। जब उद्धव ठाकरे गुट ने इसका विरोध किया तो फिर सिंधे गुट ने भी चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ मोर्चा खोला और तब उन्होंने इस पर अपनी सफाई दी। हालांकि अभी तक एकनाथ सिंधे को शिवसेना और बाल ठाकरे की विरासत नहीं मिली है, लेकिन अभी से भाजपा उनको काटने में लग गई है। उसको लग रहा है कि शिवसेना ब्रांड के हिंदुत्व की राजनीति को खत्म करने के लिए पार्टी का विभाजन कराया गया था, जबकि अब सिंधे गुट इसी ब्रांड की राजनीति का प्रतीक बन रहा है। वह इससे अपनी राजनीति, अपना ब्रांड स्थायी बना सकती है। सो भाजपा अपनी ही सहयोगी को निपटाने की भी राजनीति करते हुए, ऐसा नहीं है कि महाविकास अघाड़ी में सिर्फ शरद पवार की राजनीति को लेकर कन्फ्यूजन है, कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट में भी सब ठीक नहीं है। हालांकि अब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेता सीधे आपसी बातचीत करने लगे हैं, मगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पहले बार बार कहा है कि शिवसेना कांग्रेस की स्वाभाविक सहयोगी नहीं है। सावरकर के मसले पर राहुल गांधी के बयान को लेकर जिस तरह से उद्धव ठाकरे गुट ने नाराजगी जताई वह सभी ने देखी है। उद्धव ठाकरे ने तालमेल खत्म करने तक की धमकी दी, मगर अब और लगता है इसके बाद कांग्रेस का रुख नर्म है। इसी बीच उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस से पुराना संबंध बताते हुए यह भी कहा है कि बाल ठाकरे ने कांग्रेस से तालमेल किया था। शिवसेना ने बाल ठाकरे के जीवन काल में कांग्रेस के दो राष्ट्रपति उम्मीदवारों प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। सोचे महाराष्ट्र के इस पूरे झमेले में क्या कोई गारंटी शुदा कह सकता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा 2024 के चुनाव से पहले विरोधी खेमे को पंचर नहीं कर देगी? क्या कह सकते हैं महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ठाकरे परिवार, एनसीपी, कांग्रेस सभी अंधेरे में तीर तुक्के नहीं मार रहे हैं? किसी को भी पता नहीं है कि 2024 के आम चुनाव से पहले वहां पक्ष विपक्ष की क्या तस्वीर होगी। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि पक्ष और विपक्ष में लगातार हर प्रदेश में लगभग डाल डाल और पात पात की राजनीति का खेला हो रहा है। बहरहाल अब यह एपिसोड यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.